गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल लाइफस्टाइल्स। तो गाइस आज हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों का सुपर मूवी रिएक्शन। तो आप लोग सोच सकते हो कितना डरावना चैलेंज है, स्क्रीन पे साथ साथ देखने को मिल जाएगी यहाँ पे या यहाँ जहाँ मर्जी देख सकते हो। मैंने आज से पहले एक भी हॉरर मूवी का कुछ मतलब मूवी आज कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा हॉरर, लेकिन जस्ट एक्सोरियम एक्सोरियम ऑफ इमली रोज ये वाली मूवी शायद आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन इससे पहले देख रहे ये वीडियो देखने से पहले आप लोग जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमारी वीडियो कैसी लगी आपका एक्सपीरियंस के साथ। ओके तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। अकेले ना देखें सो इसलिए मैं देख रही पहली बार। ये कहानी दुनिया की सबसे फेमस हॉरर मूवीज में से एक द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज के बारे में है। इस कहानी में बताई गई हर एक बात एनलीज मिशेल नाम की एक लड़की के साथ हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जर्मनी में रहने वाली एनलीज को 16 साल की उम्र से ही काफी दिक्कतें शुरू हो गई थी। चक्कर आना, किसी भी चीज पर रिएक्ट न करना, बिना बात के चीखना, नींद न चलना, ये सारी प्रॉब्लम्स एनलीज की लाइफ में आम बात हो गई। एक बार उसे बहुत बुरी तरह फिट्स यानी मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे और उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसके घर वालों ने तुरंत उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि वो दिमागी रूप से काफी बीमार है और उसकी प्रॉब्लम्स और ना बढ़ जाएं, इसलिए डॉक्टर ने उसे दवाइयां दी, पर दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। 1973 में जब एनलीज 21 साल की हुई तो उसकी हालत और खराब हो गई। एक समय ऐसा आया कि एनलीज को लगने लगा कि उस पर शैतानी आत्माओं का साया है। वो जहां भी जाती वहां उसे शैतान का चेहरा दिखता। कई बार तो उसे ऐसा लगता था कि आत्माएं उसके कानों में बोल रही हैं, उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। ना वो चर्च के अंदर घुस पाती थी और ना ही किसी भगवान की तस्वीर देख पाती थी। थोड़ा और वक्त बीता तो एनलीज की हरकतें और अजीब हो गईं। कीड़े खाना, हाथों के बल चलना, अपने कपड़े फाड़ना और अपने आप को बहुत बुरी तरह मारना, ये सब देखकर उसके घरवाले बहुत डर गए और उन्हें भी यकीन हो गया कि वो पोजेस्ड है। उन्होंने चर्च के प्रीस्ट से मदद मांगी तो उन्होंने मना कर दिया, पर बहुत बुलाने पर जब वो उनके घर गए तो वहाँ का माहौल देख के वो दंग रह गए। एनलीज प्रीस्ट को देखकर चीख चीख के अपना सर दीवार पर मारने लगी और किसी अलग ही भाषा में जोर जोर से बात करने लगी। इतना ही नहीं, उसने गुस्से में आकर एक हाथ से पलंग उठाकर दोनों प्रीस्ट की तरफ फेंका। ये सब देखकर उन्हें भी ये एहसास हुआ कि एनलीज किसी बहुत ही शैतानी आत्मा से पोजेस्ड है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इसी के लिए उन्होंने एनलीज का एग्जॉर्सिज्म करने का फैसला किया। एक्सोर्सिज्म यानी इंसान के शरीर से किसी भी तरह की शैतानी आत्मा को बाहर निकालने का तरीका। 1975 और 1976 के बीच करीब 10 महीने तक एनलीज की बॉडी से उन आत्माओं को भगाने की कोशिश की गई। शुरू शुरू में एनलीज को बेड से बांधकर प्रीस्ट ने उसके अंदर के शैतानों को बाहर आने के लिए डराया। इसके जवाब में आत्माओं ने गुस्से में एनलीज की बॉडी को बहुत हर्ट किया। एक्सोर्सिज्म करने पर पता चला उसके शरीर के अंदर एक नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माएं वास कर रही हैं। इसी दौरान एनलीज ने खाना पीना छोड़ दिया था और वो बहुत वीक हो गई थी। 1 जुलाई 1976 को एनलीज की डिहाइड्रेशन और खाने की कमी के कारण मौत हो गई। दोनों प्रीस्ट और एनलीज के पेरेंट्स को
उसकी डेथ के लिए जिम्मेदार मानकर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पर पुख्ता सबूत ना होने के कारण 6 महीने बाद वो रिहा हो गए। एग्जॉर्सिज्म के वक्त एनालिस की वो आवाजें आज भी उनके कानों में गूंजती हैं। सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। और अगर आपको एनालिस के एग्जॉर्सिज्म की असली रिकॉर्डिंग सुननी है और आपको अच्छी लगी हो हमारा रिएक्शन वीडियो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। एंड पसंद आया तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। बाय।